आज हमारा फास्ट है तो आज हमने बनाया है साबूदाने का पूरी। ये देखिए कितना अच्छा हुआ है, कितना टेस्टी बना है और कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए मैं आज आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आयुषी में। आज मैं आपके लिए साबूदाना की एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो उसके लिए हमने एक कटोरी साबूदाना लिया है और हम उसको भून लेंगे। 5 मिनट तक बस भूनना है इसको, इसका कलर चेंज हम नहीं करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने 5 मिनट तक भून लिया है इसको। अब हम मिक्सी जार में रख के इसका आटा बना लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्स हमारा पीस गया है अच्छे से। अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको छान लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी रखेंगे। घी रख के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी से इसको आटे की तरह गूंद लेंगे और हम इसका लूची बनाएंगे। देखिए आटे की तरह गुंदा गया है। ये देखिए आटा गुंदा गया है और हमने एक कटोरा साबूदाना लिया था उसमें एक पूरा भर के पानी भी लग गया इसमें। इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया हमारा। अब हम इसकी लोइया बनाएंगे। ये देखिए ये स्पॉन्ज जैसा हो गया है, कितने अच्छा हो गया है। ये हमने लोई बना लिया है, अब हम इसको बेल लेते हैं। ये हमने चकला में पहले से घी लगा लिया था, अब हम इसको बेल रहे हैं। ये देखिए हमने बना ली है पूड़ियाँ। ये देखिए कितना अच्छा गोल हुआ है, ऐसे ही हम सबको बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने एक कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें हम तेल डालेंगे। ये देखिए हमने 1 कप के करीब तेल लिया है, इसको हम गर्म होने देंगे। ये देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पूड़ियों को तेल में रख लेंगे। ये देखिए फूल रहा है हमारा पूड़ी, अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा फूल गया है, हम ऐसे ही सबको बना लेंगे। ये देखिए हमारा लूची कैसे फूल गया है और हम ऐसे ही सबको बना लेंगे। ये देखिए हमारा लूची बनके तैयार है। आज हमारा फास्ट है तो हमने साबूदाना बनाया है और उसके साथ ये मिठाई है और ये छाना का जलेबी है, इसके साथ हम खाएंगे। तो आप भी बनाइए और खाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो साबूदाना का पूरी बनाया वो कैसा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।